आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर प्ले स्टोर काम नहीं कर रहा, प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही, उसे कैसे ठीक करना है। सबसे पहले जहाँ मैं अपना प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ मेरे प्ले स्टोर में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड होता है या नहीं। ये देखिए, मैंने अपडेट के लिए लगा दिया पेटीएम, यहाँ पे चक्कर चल रहा है, घूम रहा है, पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये डाउनलोड नहीं होगा, इतना मर्जी टाइम इसे देखते रहो, ऐसे ही चलता रहेगा। इसको ठीक करने के लिए मोबाइल के होम पेज पे आ जाते हैं, जहाँ सेटिंग ढूंढना है, सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा नीचे एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे, जहाँ एप्लीकेशन मैनेजमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। कुछ मोबाइल में सिर्फ ऐप्स लिखा होता है तो वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद जहाँ प्ले स्टोर ढूंढ लेना है, प्ले स्टोर यहाँ पे मिल चुका है मुझे, यहाँ इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद जहाँ क्लियर डेटा लिखा हुआ है नीचे, देखिए बीचों बीच, इसे क्लियर कर देते हैं। इसे क्लियर करने के बाद अब मैं दोबारा से प्ले स्टोर में जाऊंगा और देखते हैं कि अब वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई है या नहीं, अब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए पेटीएम डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं।